हेलो एंड वेलकम बाय टेरिटरी फैमिली। आई होप आप सब लोग बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और हम लोग कर रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, उनमें क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, राइट? तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवरअप करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस जब हम बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो रिप्रोडक्टिव क्या है, ऑर्गेन्स हैं, ठीक है? दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं। अब यहाँ पे दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं तो इनका काम भी कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, है ना? और ये डिफरेंट भी होंगे फ्रॉम एसेक्सुअल मोड। कैसे डिफरेंट होंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन चीज जो है, जो फॉर्म हो रही है, वो होगी गैमीट सेल्स। गैमीट सेल्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बनेगा उसको हम बोलते हैं स्पर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से गैमिट फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं ओवम, ठीक है? अब ये जो गैमिट सेल्स हैं, इन्हीं का जब फ्यूजन होगा तो हमें क्या मिलेगा? जायगोट। हमें क्या मिलेगा? जायगोट, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्पर्म मैच्योर होते हैं, कैसे ओवम मैच्योर होते हैं। शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है? अब यहाँ पे आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अगर आप डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉटम। अब स्क्रॉटम क्या है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टीज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे टेस्टीज का रोल क्या है? टेस्टीज इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स। अब टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स होते क्या है? ये बेसिकली हॉर्मोन्स हैं जो कि स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है? अब स्पर्म मैच्योरेशन कैसे होते हैं? देखिए, जो अगर हम क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करें तो वी नो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है? टेस्टिस में जो गैमिट सेल्स बनेंगे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशंस की मदद से, गैमिट सेल्स का फॉर्मेशन तो होगा और मैच्यूरेशन होगा स्पर्म्स का। तो वो स्पर्म सेल्स इन क्रोमोसोम नंबर के हैप्लॉइड फॉर्म करेगा, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे, ठीक है? आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में मियोसिस स्टेज। अब मियोसिस स्टेज में क्या होता है? रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स नंबर। तो यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन गैमिट सेल्स मैच्योर करेंगे, जिनको हम स्पर्म सेल्स कह रहे हैं, इनमें क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम्स, विच आर हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है? विच आर कैरिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होंगे टेस्टिस में और फॉर्म क्या कर रहे हैं? हैप्लॉइड सेल्स, या हम इनको गैमिट सेल्स बोल रहे हैं, ठीक है? बट ये गैमिट सेल्स टेस्टिस के अंदर जो फॉर्म हुआ है, ये मैच्योर फॉर्म तो हो रहे हैं, ठीक है? मैच्योर फॉर्म इसका हम क्या बोल रहे हैं? जो हैप्लॉइड फॉर्म है, ठीक है? तो यहाँ पे मैच्यूरेशन के साथ साथ अब जो स्पर्म फॉर्म हो रहा है, उस पर्टिकुलर स्पर्म को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, है ना? कुछ फ्लूइड कंडीशंस चाहिए ताकि वो इजीली जो है वो पास करे, ठीक, डक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा? टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म हुए वो वासा डिफरेंस, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू ये पास होगा कहाँ पे? वो जाएगा यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के साथ जो वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस यूरेथ्रा में जो जाएगा, यूरेथ्रा क्या है? यहाँ पे ये इसकी है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो रिलीज होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स और यहाँ पे प्रोस्टेट दिख रहे हैं। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट क्या है? ये दो ग्लैंड है जो हमारा स्पर्म फॉर्म हुआ है टेस्टिस में। सेमिनल वेसिकल उसको सीमेन बनाने में हेल्प करेगा, उसको एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, ठीक है? ये काम है सेमिनल वेसिकल्स का। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड्स इस मैच्योर स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, राइट? और ये जो यूरेटर है और ये ब्लैडर है, ये आप जानते हैं ये किसके पार्ट है? ये पार्ट है हमारे किडनी के। और आप देखिए यहाँ पे जो यूरेथ्रा है, जो इजेक्युलेटरी डक्ट है, ये कॉमन डक्ट है फॉर बोथ यूरिन पैसेज एंड फॉर स्पर्म पैसेज, है ना? बट इसके जो अदर ट्यूब्स है वासा डिफरेंस, और यहाँ पे जो यूरेटर में जो इम्प्योरिटीज आएंगी वो चीजें डिफरेंट ट्यूब्स आएंगी, ठीक है?
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टेस्टीज में कैसे टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशंस की मदद से स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योरेशन ऑफ गैमेट सेल्स हो रहे हैं, वासा डिफरेंस उसको इजैक्युलेटरी डक्ट के थ्रू पास करेगी विद सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि उसको नरिशमेंट एंड सीमेन यानी कि फ्लूडिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम देखें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखिए जो सबसे आउटर पार्ट है वो है वेजाइना एंड सर्विक्स। यूटेरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि यूटेरस पे जो यहाँ पे जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जिसपे इम्प्लांटेशन होगा, जिसपे क्या होगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। इसके बाद आप ओवरी जो देख रहे हैं, ये ओवरीज जो आप जो देख रहे हैं ये अटैच किससे हैं, फेलोपियन ट्यूब से। ये जो ओवरी है ये ओवरीज ही कैरी करती हैं क्या, ओवम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब ये ओवम जो है वो रिलीज होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है इनके भी थ्री डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जहां पर जो स्पर्म है, जो स्पर्म रिलीज होगा वो यहाँ पे जाके, यहाँ पे एक रीजन होता है जिसको हम एम्पुलरी रीजन बोलते हैं, यहां पर क्या होगा, ये ओवम के साथ स्पर्म का फ्यूजन होगा, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है, राइट। अब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन कहाँ पे होगा, जो फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है उसमें। उसके बाद जब फ्यूजन हो जाएगा और जब जायगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस होगी वो कहाँ पे आके अटैच होगी, यहाँ पे यूट्रस के ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। सिमिलरली जैसे हमने टेस्टिस फॉर्मेशन में देखा था कि गैमिट सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, सेम हमारे जो ओवम है इसमें भी गैमिट सेल्स फॉर्म होंगे जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, राइट, 23 क्रोमोसोम्स होंगे जिसको हम गैमिट सेल्स बोल रहे हैं। तो ये बात होगी मैच्यूरेशंस की और कैसे जो हमारे स्पर्म एंड ओवम सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो हार्मोन सिक्रीशंस होंगे इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन, राइट, एंड दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। अब इन दो हार्मोन्स का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ये जो ओवम सेल है उसके मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी, और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, अगर एग जो है या ओवम जो है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के थ्रू यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी और उसके बाद इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को फॉर्म करने में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम के जो डिग्रेडेड पार्ट्स होते हैं उसको क्या करता है, उसकी मदद से ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्म करता है, ठीक है, उसकी मदद से ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग फॉर्म करता है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स ये दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जहां पे मैच्योरेशन ऑफ ओवम हो रहा है या जो अनफर्टिलाइज्ड है उसके एग के रिलीज के बाद जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसको भी फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हॉर्मोन्स एंड एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स ये दो हॉर्मोन्स है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से सिक्रीट हो रहा है, राइट। तो ये बात होगी गैमिट सेल्स की। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल, सेकेंडरी कैरेक्टर्स। सेकेंडरी कैरेक्टर्स में क्या होता है, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है जब एज ऑफ प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम कई सारे बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं जिसको हम हार्मोनल चेंजेस भी बोलते हैं, राइट। अब उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से सेकेंडरी कैरेक्टर्स ग्रो होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल्स, मेल्स में बियर्ड आना, राइट, वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाना, वॉइस में एक हैवीनेस आ जाना, है ना, हाई पिच लो पिच आपने अगर पढ़ा हो, तो वो सारी चीजें किसकी वजह से आती है, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, राइट। हमने अभी डिस्कस करा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल और हमने देखा कि जो फीमेल में गैमेट सेल्स बन रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवम, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम, राइट। एंड जो मेल है उनमें क्या फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट सेल, दैट इज स्पर्म, राइट, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्पर्म, ठीक। ये सेंट्रल पार्ट क्या है, ये सेंट्रल पार्ट है हमारे न्यूक्लियस,
ये सेंट्रल पार्ट क्या है हमारे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में ही क्या होते हैं हमारे डीएनए, और डीएनए की ही यूनिट होती है जीन्स, और ये जो जीन्स होते हैं यहीं पे हमारे क्या होते हैं ट्रेड्स, ट्रेड्स को आप आगे पढ़ोगे कि ट्रेड्स जो होते हैं, जैसे जो जीन्स होते हैं हमारे ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स में होते हैं जिसको हम एलील्स भी बोलते हैं, ठीक है, विच आर ऑल्सो नोन एज एलील्स। तो अब ये जो ओवम है और ये जो स्पर्म है जो कि हमारे क्या है, दोनों के दोनों गैमीट सेल्स हैं, या हम इसको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इन गैमीट सेल्स में क्या है एक्चुअली, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे 23 क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, और ये हमारे के भी 23 क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, राइट। तो अब हुआ क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये क्रोमोसोम नंबर मियोसिस के टाइम पे क्या हो गया, रिड्यूस फॉर्म में हो गए, हाफ नंबर में कन्वर्ट हो गए। हाफ नंबर भी कैसे, जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रेट होता है, तो ये जो मैंने एलील लिखा है, जैसे हमारे पास जीन अगर हाइट का है, ठीक है, हाइट हमारे पास एक ट्रेट है, अगर हमारी हाइट का कैरेक्टर टॉल है तो हमारे पास एलील या तो कैपिटल टी होते हैं या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, राइट। ये हमारे हेरिडिटी चैप्टर का पार्ट है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस से रिलेटेड है, तो वो ये चीज है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन ये जो है ये सेग्रीगेट कर जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसी तरह जो भी कैरेक्टर्स हुए हमारी बॉडी में, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर तो प्रेजेंट नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, तो वो मल्टीपल कैरेक्टर्स इसी एलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे ये इक्वली सेग्रीगेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 का, उसमें हमारे पास क्या है ट्रेट्स के हाफ एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। So, अब जब हमारे 23 क्रोमोसोम्स जो ओवम में प्रेजेंट है ये फ्यूज करेंगे मेल के 23 क्रोमोसोम से, तो ये फर्दर हमारा क्या बनाएंगे, जाइगोट। अब जाइगोट में हमारा क्या हुआ, जो फ्यूजन हुआ उसमें दोनों कैरेक्टर्स आए, ठीक है, उसमें 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल पेरेंट, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मेल पेरेंट, और मिलके यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए 46 क्रोमोसोम्स। अब यही कारण है कि ह्यूमन ऑफस्प्रिंग्स में, या हम कहें जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमिट फॉर्मेशंस के थ्रू हो रहे हैं, वहां पे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो गैमिट का जो ट्रांसमिशन है वो हाफ फ्रॉम फीमेल पेरेंट हाफ फ्रॉम मेल पेरेंट्स। अब वो जो कैरेक्टर्स जो हमें दिखते हैं वो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, तो ये रीजन है वेरिएशंस का, राइट। 46 क्रोमोसोम्स, अब 46 क्रोमोसोम्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो जायगोट जो फॉर्म हुआ इसमें क्या आ गए 46 क्रोमोसोम, हाफ फ्रॉम मेल पेरेंट हाफ फ्रॉम फीमेल पेरेंट, राइट। अब ये जो जायगोट फॉर्म होगा ये फर्दर जायगोट कैसे डेवलप होगा, ये होगा एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू डेवलप। और अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जहां पे हमने एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिस्कस करी थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिस्कस जहां पे हमने करी थी यूट्रस के पार्ट में, ये हमारा जो फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस होगा ये जाके इम्प्लांट हो जाएगा विद यूट्रस, ठीक है, इट विल गेट इम्प्लांट। और यही पे ये जो हमारा इस पर्टिकुलर जो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा यहाँ पे, जहां पे ब्लास्टोसिस्ट होगी, मॉरुला स्टेज फॉर्म होगी, और फर्दर यही जो है ये डेवलप होते हैं ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मासेस में, जो कि फर्दर इनर सेल मासेस जो हमारे एक्टो मीजो एंडोडर्म्स फॉर्म करती हैं और जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऑर्गेन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस जो होगी वो कहाँ होगी, यूट्रस पे, और इम्प्लांट कहाँ पे हो रहा है, ये यूट्रस पे। इस पर्टिकुलर इवेंट को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा फर्दर जाइगोट का,
तो यहाँ पे इसको न्यूट्रिशंस कैसे मिलेंगे? ये न्यूट्रिशन इसको मिलते हैं थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से इसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, इसके जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे ये सारे प्लेसेंटा के थ्रू ही पास होंगे। सो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन समझ में आया होगा, वेरिएशंस क्यों होते हैं इसका रीजन भी पता चला होगा। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, राइट, या किसी भी तरीके की एसटीडी से बचना है जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है जो कि लेने जरूरी है, राइट। वो प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं? वो प्रिकॉशंस हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट, वो मेथड्स क्या हो सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कई सारे हमारे आते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स आ जाते हैं, राइट, ओरल पिल्स आ जाती हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। और हम कुछ सर्जिकल मेथड्स भी आजकल देख पाते हैं, सर्जिकल मेथड में वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। और ये कैसा होता है? ये परमानेंट टाइप का मेथड है, सर्जिकल मेथड्स आर परमानेंट मेथड। जहां पे वैसेक्टॉमी में वासर डिफरेंस को कट करके, जहां पे हमने देखा था वासर डिफरेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टिस से जो हमारे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, उसको कट एंड बाइंड कर देते हैं। सिमिलरली ट्यूबेक्टॉमी में भी फैलोपियन ट्यूब पे कट एंड बाइंड कर देते हैं। सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एक्टिविटीज जो भी हैं, और इसका फुल रिवीजन वीडियो भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। अगर आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट स्कॉलर्स।